हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉसी रैप्टर। तो खैर, ऑफिशियल न्यूज़ तो आ चुकी है कि पबजी अनबैन होने वाला है, लेकिन फिर भी आपसे वेट नहीं हो रहा है। तो भाई, यहाँ पे प्रूफ के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई नो प्रूफ ही देखना है आप तो, लेकिन सिंपली मैं बता दूँ, यहाँ पे ना सिर्फ हमें कंट्री चेंज करनी है iOS में, और एंड्रॉयड में जाके सिर्फ APK फाइल डाउनलोड करनी है। और ये काम कर जाना है तो भाई कमेंट में सेक्शन आके मतलब कमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जस्ट हमें एप्पल जो होता है, जैसे मेरे पास भी सिर्फ एक ही फ़ोन है, आईफोन 7 है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने एप्पल आईडी में, यहाँ पे मैंने क्लिक करा। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे आईट्यून्स वाले सेक्शन पे, वहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे को आईडी पर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा व्यू एप्पल आईडी का, तो हमें इस पर जाना है। और इस पर जाने के बाद हमें बस कंट्री ऐसा सिलेक्शन के लिए ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हमें कंट्री सेलेक्ट करनी है। इंडिया को छोड़ के कोई भी सेलेक्ट करेगा, बेटर रहेगा कि आप यूएस ही सेलेक्ट करो, यूनाइटेड स्टेट्स। नीचे देख लो, यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे ना, यहाँ देखो ये ओके। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एग्री का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे अब बस आप देखते जाओ क्या क्या भरना है। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया है एग्री, और यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ ठीक है, आप एग्री करते हो तो ठीक है, यहाँ पे हम एग्री करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, उसके बाद करने के बाद थोड़ी लोडिंग लेगा। फिर आपको, अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह ये तब तो नहीं डालोगे, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी था जी, हाँ मेरा 200 GB का क्लाउड स्टोरेज ऑलरेडी कार्ड से मेरा कटता है यहाँ पे। तो उस तरीके से वो भी मैंने यहाँ पे अभी नन कर दिया। अगर आपका कटता है तो आप भी यहाँ पे नन कर देना, नहीं कटता तो ऑब्वियसली आपका नन ही होगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट देखो, कुछ भी नाम डाल देना। मैंने यहाँ पे जस्ट एज अ वेलोसी रैप्टर अपना जो चैनल का नाम है वो डाला है, और यहाँ पे शर्मा, अपन शर्मा लोग हैं तो यहाँ पे ये डाल देते हैं। स्टोरी में चलो, स्ट्रीट में हमने स्टील डाल दिया। मैक्स स्टील मेरा फेवरेट कार्टून है, मेरा बहुत फेवरेट कार्टून है, तो मैं एज अ गेम में वही डालता रहता हूँ। और यहाँ पे देख लो अपना विलोसी रैप्टर आ गया नाम, ठीक है। सिटी में हमने ये डाल दिया, और स्टेट में सबसे पहली सिटी डालना, कि उसका मैंने जो कोड होता है ना वो आप सर्च करके देखना, जो कोड होगा वो लिखना, या फिर कोई भी सिटी डालना लेकिन उसका कोड सर्च कर लेना उससे पहले गूगल पे जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जिप कोड होता है ना वो डालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे चलो, हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अलबामा। यहाँ पे मेरी थोड़ी मतलब नेट की दिक्कत थी, तो इसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि लोडिंग होने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे इसका कोड है ये वाला। तो उसके बाद नंबर में कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डालना मतलब डालने की ज़रूरत तो है, लेकिन एक्चुअल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 देख लो, मैंने ये डाला, इससे भी हो गया। तो जस्ट ऐसे यहाँ पे हमने इसको डन करा, और ये वापस अपने बैक पे चला जाएगा, थोड़ी लोडिंग लेगा। अभी आप देख लो, सामने मैं दिखा रहा हूँ अच्छी तरह, टाइमिंग वगैरह सब कुछ दिख रहा है। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको ऐसे मैसेज आएगा। उसके बाद सिंपली आपको जस्ट प्ले स्टोर ओपन करना है, और आपको वहाँ पे पबजी मोबाइल देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं भी सर्च कर रहा हूँ, अभी तक मुझे भी नहीं मिल रहा था, और मेरे पास भाई एक ही फ़ोन है, सिंपली सिर्फ एक फ़ोन है, और बीटा वर्जन जो है वो सब एक अलग एंड्रॉयड फ़ोन में है। और यहाँ देख लो, अपडेट का ऑप्शन साफ आ चुका है। तो भाई, अगर आपका एप्पल iOS है ना, तो भाई ये चीज़ आपके लिए बहुत काम आने वाली है। आई नो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, और अभी रुको, मैं इसको डाउनलोड होने के बाद भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख लो, बाकी ओवरऑल यहाँ पे जो चीज़ें थी, फ़ैन पेज वगैरह जो इंट्रोडक्शन होता है, और इमेजेस वगैरह जो चेंज होती हैं, जो खैर अभी तक यहाँ पे नहीं हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो बैन हो चुका है, और प्ले स्टोर से हट चुका है, और ऐप स्टोर से भी हट चुका है। तो ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अब यहाँ पर आ चुका है। तो अब देखो, ये मेरा गेम हो रहा था डाउनलोड। इसके बाद VPN, मैं पहली बता रहा हूँ, मैंने कोई भी किसी भी चीज़ में ना VPN यूज़ करा है, ना कुछ यूज़ करा है, नॉर्मल वाईफाई मोबाइल नेट से कर रहा हूँ, ठीक है। वाईफाई स्लो होता है तो मोबाइल नेट, वो स्लो होता है तो दूसरा, तो दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद लोडिंग आने के बाद ये कोई अपडेट मांगेगा, 12-13 MB का कोई अपडेट है। उसके बाद जस्ट आप देख लो, यहाँ पे प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, सामने ही रीस्टार्ट के लिए बोलता है ना वो, तो देखो यहाँ पे रीस्टार्ट आ चुका है। उसके बाद आप ये देख लो, IOCIA ऑब्वियसली। तो यहाँ देख सकते हो, ऑलरेडी iOS से रिकॉर्डिंग चल रही है, मोबाइल नेट पे अभी चला रहा हूँ, साफ देख सकते हो मोबाइल नेट था ये, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी लोडिंग स्क्रीन आ चुकी है, स्क्रीन का वर्जन भी देख सकते हो, तो ऊपर वर्जन लिखा हुआ था, अब लोडिंग स्क्रीन दूसरी आ चुकी है। ओके, तो भाई चलो, अपना यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुली काम। और अगर आपको पूरा दिखना तो ये दोबारा दिख लो, फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ये देखो, हमारे रिवॉर्ड्स आ चुके हैं, बियॉन्ड डेज का जो
डेली रिवॉर्ड सेक्शन है वो भी खुल चुका है, तो ज़रूर से जाके कलेक्ट कर लेना। और ये देख लो, दोबारा से देख लो, ये एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड नहीं है, आईओएस ही है, तो साफ देख रहे हो ना, आईओएस ही है, मेरी आईडी है। और नहीं देख, अगर यकीन नहीं हो रहा तो एक मिनट मैं आपको अचीवमेंट में भी दिखाऊंगा। और मैं थोड़ा सेटिंग वगैरह चेक कर रहा था कि मेरा HDR चल रहा है कि नहीं, अल्ट्रा HD, लेकिन आई थिंक iPhone 7 में नहीं चल रहा है यार। मेरे को लग रहा था शायद चल जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये अभी कंपेटेबल होगा। यहाँ पे देख लो, मेरे अचीवमेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं 5,000, तो मेरी ही आईडी है ये, ऑफिशियल आईडी है पबजी वाली। और यहाँ पे देखो, मैंने बाद में जाके ना ये सारा इंडिया पर ही ले आया था, बाद में चेंज कर दिया था, तो ये बहुत सही है। अब देख लो यहाँ पे एंड्रॉयड का रास्ता, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाओगे तो ना ये 60 MB का ये अपडेट है, 60 63 या 63 कह लो, तो जैसे इसको इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन दिखाएगा। और यहाँ देखो, जैसे ये दिखाएगा ना, तो यहाँ पे आने के बाद जैसे ही अपलोड हो जाएगा, तो ये जो OBBS फाइल जो होती है ना, OBB फाइल जो होती है, वो अपलोड बैकग्राउंड में होती रहेंगी। उसके बाद जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो ये आपसे परमिशन मांगेगा जैसे नॉर्मली मांगता है। और यहाँ देखो, इसको करने के बाद भी जैसे हम नॉर्मली गेम इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे खैर मुझे अपडेट नहीं मांगा इसने, जो 12 MB का iOS में मांगा था, ये अभी मेरे दूसरे मोबाइल में। और यहाँ भी देख सकते हो, मैंने कोई वाईफाई या VPN वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, देख रहे हो ऊपर कुछ भी नहीं है। और टाइमिंग देख लो, 10 टाइम की है, मैंने पहले एंड्रॉयड में यूज़ करा था, उसके बाद iOS में करा था, तो यहाँ देख सकते हो अपनी लोडिंग स्क्रीन आ चुकी है। तो खैर आपको यहाँ पे प्रूफ मिल चुका होगा, यहाँ पे भाई गेम एंटर होती है ना, सबसे पहले यही चीज़ आती है। एंड्रॉयड iOS में इसलिए क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मैंने पहले लॉगिन कर चुका था, और जब मैं दोबारा iOS में लॉगिन करने गया तो वहाँ पे वो बता रहा था कि आपका ऑलरेडी आईडी नए वर्जन पे लॉगिन है, इसलिए आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। तो मुझे इनडायरेक्टली iOS में भी अपडेट करना पड़ा, और ये चेंज कंट्री वाला मेरे को सब सीन बैठाना पड़ा, क्योंकि तो मुझे ऑब्वियसली करना ही था, तो मैंने वहाँ पे करके सब चीज़ें आपको बता दी हैं, बाकी प्रो वगैरह देख आई नो लो। सब कुछ काम कर जाएगा, तो आगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर देना। तो चलो, टेक केयर, बाय बाय।